नमस्कार दर्शकों, द न्यूज इंडिया में देश की राजनीति से जुड़ी हुई खबरें। किरण बेदी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि मैं स्वीकार करती हूं कि इससे बचा जा सकता था, मुझे इस तरह के सार्वजनिक रूप से बयान नहीं साझा करने चाहिए और मैंने महसूस भी किया, इसलिए मैंने साझा किए गए ट्वीट को डिलीट कर दिया है। बेदी ने कहा है कि तमिलनाडु के लोगों के प्रति मैं सम्मान रखती हूं, जिस तरह से मैं पांडुचेरी के लोगों के लिए रखती हूं। बीते साल यहां के लोगों को बेहद परेशान देखकर लगाव महसूस कर रही हूं, यहां पर सेवा कर रही हूं, इसी के चलते ये सब गलती हुई है। मुझे किसी को ठेस नहीं पहुँचाना था, हालांकि जिन्हें भी ठेस पहुँची है मैं माफी मांगती हूँ। बेदी ने कहा है कि तमिलनाडु के लोगों का भी वे बेहद सम्मान करती हैं। आपको बता दें कि इसी के मद्देनजर अब राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस पर विराम लगा देना चाहिए और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दरअसल आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। सारा विवाद किरण बेदी द्वारा हटाए जा चुके उस ट्वीट से शुरू हुआ, जिसमें तमिलनाडु को खासकर चेन्नई में हुए पानी की समस्या को लेकर वहां की सरकार और भ्रष्ट राजनीतिज्ञों पर निशाना साधने की कोशिश करते हुए ट्वीट किया गया था। खराब शासन, भ्रष्ट राजनीति, उदासीन अफसरशाही के साथ बहुत ज्यादा स्वार्थी लोगों और कायर रवैये के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। उसी के बाद से परेशानी बन गई किरण बेदी की ये ट्वीट, जिसे बाद में हटा लिया गया। विद रिगार्ड टू ए ट्वीट मेड बाय एलजी ऑफ पांडिचेरी श्रीमती किरण बेदी, इमीडिएटली एमएसए टुक नोटिस। देयर आफ्टर मिसेस किरण बेदी हैज एक्सप्रेस डीप रिग्रेट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। What was written was a people perspective shared in my personal capacity as it came at a time when people were hugely suffering for want of water in Chennai. Please listen me. However, I admit it was avoidable and I should not have shared it in a public in this manner. See, I accept it. I too realize it. I have therefore deleted my sharing. I have the highest regards and warmth for the people of Tamil Nadu, like I have for the people of Pondicherry UT, whom I have been serving with utmost devotion last over 3 years, and they too have given me maximum support and trust. I never ever wish to hurt anyone's feeling. I deeply regret any hurt caused. Speaker sir, in the light of the words expressed by the Lieutenant General Pondicherry, I would like to request the members of this house to put the issue to rest.